शिल्पा आ गया, बालू आ गया, बालू, शिल्पा बालू आ गया। यहाँ पे हमारे सीनियर वाले मामा ही सोए हुए हैं, आग जल रही है बढ़िया वाली। तो ये हमारे माँ जी भेड़ पालक यहाँ पे। माँ जी क्या क्या काम करके आ गए? छेलू पे आए। मान जी बोले भाई, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बकरियों के, उनको दूध पिला के आगे मान जी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको अपनी माँ ढूंढना मुश्किल हो जाता है, या तो वो मतलब अभी अनजान जैसे होते हैं, वो दूध पी नहीं पाते हैं इतने अच्छे से, तो उनको दूध पिलाना पड़ता है पकड़ के। या तो कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी और बकरी का है, दूध किसी और बकरी के नीचे उसको पिलाना है, तो वैसे वैसे एक्सचेंज ऑफर चला हुआ होता है। दाल तो पक गई। कौन सी दाल है? मूंग और माँ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भाई हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में, आज की एक और नई वीडियो में। भाई अपना सुबह सुबह का टाइम है और हम हैं नोमैडिक भेड़ पालकों के डेरे में। तो भाई ये आप सामने पे देख रहे हैं ना, ये अपने नोमैडिक भेड़ पालकों का यहाँ पे टेंट लगा हुआ डेरा जिसको हम कहते हैं। और भाई मतलब क्या रात निकाली हमने यहाँ पे, क्या रात बीती है यहाँ पे ना, क्या टाइम गुजरा है यहाँ पे, ओ भाई मतलब मस्त वाला। पहले तो भाई आप सुबह सुबह के ना इस व्यू को देखो, यहाँ पे जो मॉर्निंग मॉर्निंग का व्यू है, अभी धूप आ गई यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली, और उस पीछे वाली पहाड़ी पे तो भाई अभी भी बर्फ़ भी है, और उससे पहले वाले तरफ को तो पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, ये थोड़ा सा एरिया दिखता है यहाँ पे। और 8-10 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था भाई, तो यहाँ पे ना स्नोफॉल हो रही थी, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट अभी थोड़ा मौसम साफ़ है, 2-3 दिन से बढ़िया वाला मौसम हुआ है यहाँ पे। अभी क्या खूबसूरत मौसम है भाई यहाँ का ना। और वो सामने पे आप देख रहे हैं ना भाई, उस तरफ को है अपना रोहतांग पास, और इस पहाड़ी से परली वाले सामने की पहाड़ियों में दिखती है अपनी अटल टनल, दिखती नहीं है मतलब वो वाला एरिया है उस तरफ को। और अभी भाई सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे हमारे मांझी जी जो भेड़ पालक हैं खाना बना रहे हैं यहाँ पे। भाई आजकल कितने 3 लोग हैं, ये मेरे एक मामा जी हैं, एक हमारे सीनियर बुजुर्ग मामा जी जो पालमपुर से हैं, मेरे मामा जी के पार्टनर, और एक हमारे मांझी जी हैं जो कि मामा जी की ही पार्टनर हैं। तो भाई उस तरफ को ना अपने भेड़ पालकों की सारी भेड़ें बकरियाँ सब उस तरफ को है इनके पास। भाई आजकल शायद से ना कोई 500 भेड़ बकरियाँ हैं, और वहाँ पर ऊपर देखो, वहाँ पर मामा जी ना कुछ काम धाम करने लगे हुए हैं, अभी शायद हमें बकरियों का दूध भी निकालना है। यहाँ पे हैं मामा जी, और यहाँ पे हमारे मान जी खाना बनाने की तैयारी लगे हुए करने। मान जी भेड़ ने खा लिए परे चावल रोटी? तो भाई ये हमारे मान जी देखो, यहाँ पे प्याज लगे हैं काटने, काट दिए हैं प्याज। और ये हमारे मान जी टमाटर कहाँ है? अच्छा टमाटर रख दिया यहाँ पे, ये भाई टमाटर रख दिया मान जी ने। दाल कौन सी उबाली है? दाल डाली है माँ। तो प्याज खा रहे हैं माँ मूंग, उसके अंदर भाई कुकर के अंदर, उस कुकर के अंदर उन्होंने दाल उबाल के रख ली। अब माँ जी जा रहे हैं बकरी का दूध निकालने, मामा जी भी हैं उस तरफ ही ऊपर, उस तरफ जा रहे हैं। और मतलब ये छोटा सा बच्चा भाई बोतल के साथ दूध पी रहा है ना, इसकी माँ मर चुकी है, तेंदुए ने उठा लिया था उसको, तो इसलिए ना इसको बोतल के साथ दूध पिलाया जाता है अब। और यहाँ पे भाई तड़का तैयार किया जा रहा है दाल के लिए, दाल उबाल के वहाँ पे रख दी हुई है दाल। और यहाँ पे हमारे मामा जी लगे हैं नमक निकालने भेड़ बकरियों के लिए। तो भाई अभी सुबह के 8 बजने लगे हुए हैं ना, और हमारे सबसे सीनियर वाले मामा जी हैं वो लगे हैं रोटियां बनाने कुत्तों के लिए। और यहाँ पे कुकर के अंदर चावल रखे हैं उबलने, चावल रखे हैं बनने के लिए। बाकी देखो मामा जी वहाँ पे हमारे रोटियां लगे हैं कुत्तों के लिए बनाने, 3 रोटियां बनेंगी कुत्तों के लिए, 4 बढ़िया मोटी मोटी सी। और मामा जी वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ना वो काम किया बच्चों का, भेड़ बकरियों के जो दूध पिलाना होता है बच्चों को, और काम कोई। और मां जी वहाँ पे पानी लेके आ रहे हैं। तो भाई ये बन गई रोटियां यहाँ पे कुत्तों के लिए, देखो हमारे सबसे सीनियर वाले मामा जी बना रहे हैं, उधर मांझी जी
अब भाई ना यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट सब होगा एक बार में ही, और फिर चले जाएंगे, और फिर चले जाएंगे भाई जंगल अपनी सारी ये भीड़ बकरियाँ लेके। आज शायद से ना जो सीनियर वाले मामा जी हमारे वो जाएंगे बकरियाँ, वो जाएंगे भेड़े लेके जंगल, और जो हमारे दूसरे वाले मामा जी हैं और वो जाएंगे बकरियाँ लेके जंगल, और माँ जी और बड़े सीनियर वाले मामा जी जाएंगे भेड़े लेके। अब इनको शायद से नमक खिलाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे जंगल वाली साइड को। यहाँ पे भाई हमने दूध रख दिया है उबलने के लिए, और मैंने ये एक हथियार पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ये सनेसी, इसके साथ उठाएंगे इसको जब उबल जाएगा। ये कुत्तों के लिए बनाई हुई रोटियाँ यहाँ पे, और वहाँ पे ना एक मधुमक्खी आ गई हुई है भागी पर। ये हमारे सीनियर वाले मामा जी, बस अब लंच की तैयारी है इनकी, ब्रेकफास्ट की, फिर जंगल चले जाएंगे भेड़ बकरियाँ लेके। तो भाई अपने मान जी भेड़ पालक ना यहाँ पे कुत्तों के लिए रोटी की तैयारी करने लगे हैं। तो सबसे पहले भाई जो सबसे छोटे वाला डॉगी है ना इनका, इसको खाना खिलाया जाएगा। इसका कभी कोई नाम अच्छा सा नहीं, मेरे को समझ आ रहा है क्या नाम दें इसको। इसका नाम भाई हम तब देंगे ना जब ये बड़ा हो जाएगा काफ़ी, और अच्छे अच्छे कांड करेगा, जानवर को भगाएगा, या इसकी कोई हिस्ट्री बनेगी, तब फिर इसका नामकरण होगा। जैसे कि मां जी का हमने नाम दिया और मां जी को हमने फेमस किया ना, वैसे ही। तो यहाँ पे भाई अब ना लंच करने लगे हैं, हम लंच करेंगे। ये तो अपने कुत्तों वाली रोटियाँ हैं यहाँ पे कुत्तों के लिए बनाई हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है यार मुझे ना, चावल की रोटी में जैसे दिख रही है मुझे वाली रोटियाँ। और ये कुत्तों के लिए चावल रखे इन्होंने, चावल और रोटी खाई जा रही है मिक्स। हेलो, इसको हम ऐसे आदत डालेंगे ना ताकि खाना खाने लगा होता इसके आसपास जाया जा सके, नहीं तो कुत्ते खाना खाते टाइम ना सीधा अटैक करते हैं। एक डॉगी का यहाँ पे सोया हुआ नीचे, तो भाई आज के लंच में ये दाल है, और ये कुकर में चावल हैं, और हमारे सबसे बुजुर्ग वाले मामा जी लगे हैं लंच करने, दाल चावल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक ले रहे हैं क्योंकि आज मैंने ना दाल को तड़का। कैसी बनी है दाल मामा जी आज? चल मैंने बनाई तो आप ऐसा ही बोलेंगे ना। मामा जी अब लगे हैं लंच करने, और ये मेरे लिए है ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ। मैं भाई खाना खाऊंगा और फिर इसके बाद ये जाएंगे भेड़ पालक सब बकरियां लेके जंगल ना, और मैं निकलूंगा अपने घर वाली तरफ यहाँ से। अरे हमारे मान जी, जी मान जी, हाँ जी, कैसी है सेहत? टना टन टना टन टन, कभी टना टन हो जाती है, कभी ठना ठन हो जाती है। कैसी बनी है दाल आज? नंबरी एक, अच्छा बहुत बढ़िया। तो भाई वो भी हमने दूध उबाल के रखा हुआ है, दूध भी खाया जाएगा रोटी के साथ। ये पानी का जग रखा हुआ है यहाँ पे, क्या जी है मान जी? तो भाई यहाँ पे ना बकरियों ने ऊपरी तरफ को सारी अलग कर ली, और जो भेड़े हैं ना भाई वो सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी कर ली, मतलब अलग अलग कर दी दोनों को, भेड़े में अलग कर ली और बकरियां भी अलग कर ली। अब ना ये भेड़े जाएंगी ऐसे निचले वाली तरफ कहीं जंगल में, और बकरियां आज फिर से यहाँ कहीं ऊपर ले जंगल में जाएंगी। बट पहले उनको ना नमक खिलाया जाएगा, नमक भेड़े खाएंगी उस तरफ को और बकरियां खाएंगी उस वाली तरफ को। तो भाई वहाँ पे ना नीचे हमारे सबसे सीनियर जो मामा जी हैं उन्होंने ना नमक डाल दिया भेड़ों के लिए, और सारी भेड़ों का अटैक हो गया, वहाँ पे सब चली गई नीचे। भाई नमक इसलिए खिलाते हैं इनको ना ताकि इनकी सेहत अच्छी बने, क्योंकि नमक खिलाने से इनकी भूख बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। जब भूख प्यास बढ़ती है तो ये कैसा भी घास मिलता है उसको चट कर जाती है ना, चर लेती हैं पूरा, खा लेती हैं कैसे भी घास को। तो और उसके बाद इनकी सेहत अच्छी बनती है, और जब अच्छी सेहत वाली भेड़ बकरियाँ होंगी ना तो भेड़ पालकों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और मामा जी ना वहाँ पे देखो, वहाँ पे लगे हुए हैं नमक डालने बकरियों के लिए। वहाँ पे भाई मामा जी बकरियों को नमक खिलाने लगे हुए हैं ना यहाँ पे। और मां जी ना छोटे छोटे बच्चे हैं भेड़ों के, उनको वहाँ पे ना भाई इन्होंने एक छोटा सा ओड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, छोटा सा वो बनाया था, कमरा बनाया था छोटा सा, उसके अंदर बंद कर देंगे इनको, पैक कर देंगे
फिर शाम के टाइम निकलेंगे बाहर है, नहीं तो यहाँ ना आवारा कुत्ते आते हैं, कोई गिद्दड़ आता है, भालू वो उठा लेगा दिन के टाइम पे। ये देखो भाई यहाँ पे सारी भेड़ें किस तरह से नमक खा रही हैं, उस तरह को भी पत्थरों के ऊपर नमक रखा हुआ है ना, तो सारी भेड़ें भाई नमक खाने लगी हुई हैं। और वहाँ पे हमारे सीनियर वाले जो मामा जी हैं वो नमक डालने लगे हुए हैं भेड़ों को बहुत तगड़े तरीके के साथ। देखो यहाँ पे भी भेड़ें चटकारे ले रही हैं नमक के, ये देखो यहाँ। देखो नीचे ये भेड़े ना भाई गिरा भी देती है बंदों को ना नमक के चक्कर में, काफ़ी पावरफुल होती हैं ये। और ऐसे ऐसे मेड़े भाई हैं बड़े बड़े सिंगों वाले, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक नमक खा रहा है अभी बहुत मन लगा के, देखो। तो भाई अभी ना एक गिलास पानी का पी लिया, बाकी जाने की तैयारी कर ली पूरी, भेड़ पालक मामा जी सीनियर मामा जी माँ जी सब चले गए वहाँ जंगल। और यहाँ पे भाई इतनी शांति होती है ना, यहाँ पे कुछ एक कौवे कौं कौं करते हैं ना तो उनका साउंड भी ऐसे लगता है कि बस साथ में परिसर को एक नाला बह रहा होता है ना। अभी दिन के टाइम में उसका साउंड थोड़ा सा कम हो जाता है, रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड महसूस होता है। बाकी भाई हमने जाने की तैयारी कर ली पूरी, बैग अपना पूरा सब पैक कर लिया हुआ है यहाँ पे, मतलब नहा धो के पूरा फ्रेश हो गए हम, जैसे कि छोटे भाई नहाते हैं यहाँ पे, हम भी वैसे ही नहाए पूरा, मतलब पत्थरों पे बैठ के हम यहाँ पे पत्थरों पे भाई, यहाँ पे भाई ओपन में नहाने का अपना अलग ही एक मज़ा है, और पानी पीने का भाई ना टेस्ट आता है यहाँ पे ना, इसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। और भाई हमने ना यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम बिताया, बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे। अब यहाँ से ना जब यहाँ पे भाई दो तीन दिन रुकते हैं ना तो फिर यहाँ से जाने का मन जैसा नहीं होता है। तो भाई इतना प्यारा माहौल है यहाँ पे ना अभी, क्या ही बताऊँ मैं, दिन के टाइम पे मैंने जैकेट पहन रखी हुई है। वैसे मैं दो जैकेट पहनता था बट अब जा रहा हूँ तो मैंने एक जैकेट खोल दी, क्योंकि आगे मुझे गर्मी मिलेगी मनाली के आसपास से आगे वाले एरिया में। तो भाई यहाँ पे वहाँ ऊपर मामा जी गए हैं बकरियों के पास, बकरियाँ चराने लगे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ देखो तुम बर्फ़ से ये पीछे जो पहाड़ कितने सुंदर लगते हैं यहाँ से। और बस भाई निकलेंगे अब, और वो जो भाई थोड़े से पहाड़ यहाँ से दिखते हैं ना ये वाले, जितना प्यारा भाई ये व्यू ना आँखों से दिखता है ना नंगी आँखों से, उतना कैमरे की आँखों से आपको नहीं दिखेगा ये, बट बहुत ही प्यारा यार। और ये गांव भी बहुत सुंदर है यहाँ पे। बस भाई अभी दो चार दिन यहाँ पे हैं, इसके बाद ना वे वहाँ चले जाएंगे ऊपर वाले एरिया में कहीं पे, और यहाँ पे अब 20-25 दिन हार्डली यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद रोहतांग पास करके चले जाएंगे फिर लाहौल स्पीति सरचू जाएंगे। ये जो ना सरचू लेह जाती बार आपको रास्ते में मिलता है अगर आप लेह वाली तरफ जाते हैं तो। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म तो क्या करेंगे भाई, अभी ना हमें आगे का सफ़र करना है, वो आपको दिखाएंगे कि लिफ्ट मिलेगी बस मिलेगी क्या होगा, ट्रक पे जाएंगे जैसे भी होगा दिखाएंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और भाई अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं क्या अच्छी चीज़ लगी इस वाले ब्लॉग में और क्या बुरी लगी है, बाकी गालियों वाले लोगों का तो मतलब दिल से स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गिलास रखेंगे बैग उठाएंगे और चलेंगे। ये बैग मैंने यहाँ पे पैक करके रखा हुआ भाई यहाँ पे, ये गिलास रखेंगे भाई यहाँ पे, बाकी भाई इनका ना पूरा सामान वान सब मैंने ढक दिया वहाँ पे, ये कपड़े वाला ढक दिए, वो जल्दी जल्दी में चले गए थे क्योंकि नमक खिला रहे थे बकरियों को कुत्ते। तो भाई जब तक मैं यहाँ था ना तब तक गए नहीं जंगल, जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तब ये चले जाएंगे फिर जंगल। वो कैसे सोया हुआ है बड़े आराम से, जेट ब्लैक है ना तो ऐसे दिखता नहीं है जैसे ही से।